अब ये मैंने की रिक्लाइन, ये देखो ये देखो। आपको सिर्फ हल्का सा बंद करना है एंड डोर क्लोज हो जाएगा। देखा कितना इजी है। तो इतना इजी है एक्चुअली। मतलब आपको किस कलर का एम्बिएंट चाहिए? 360 डिग्री कैमरा दिया हुआ है, साइड प्रोफाइल बहुत ही जबरदस्त है। मतलब ये है बिल्कुल मजेदार चीज। मतलब तो भाई आज मैं लेके आ गया हूँ अपना थर्ड व्लॉग ऑन टर्बो एक्सट्रीम गैराज। तो आपको दो व्लॉग्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, जिसमें से फर्स्ट था टीजर, सेकंड था मेरा गैराज, मतलब मेरा अपना गैराज जिसमें अपनी गाड़ियाँ सारी दिखाई गई थी। पर अभी एक और स्पेशल गाड़ी दिखाने वाला हूँ और वो गाड़ी है ये स्पेशल गाड़ी है ये वाली, जिसमें चार टायर लगे हुए हैं और इंजन के नाम पे ये अपना स्नीकर्स है, एयरफोर्स वन मेरे ख्याल से एयरफोर्स है। तो ये है एयर जॉर्डन वन एंड एयर जॉर्डन के शूज पहने हुए जो इसके इंजन है और ये इसको गाड़ी में चला रही है। चलो भाई, तो फाइनली गाड़ी आ गई है ये रही। और आज की गाड़ी होने वाली है ये वाली बहुत ही स्पेशल, जो है मर्सिडीज की एस क्लास 454 मैटिक। भाई बिजनेस क्लास की अगर गाड़ी की बात करें तो अगर गाड़ी में अंदर नहीं देखा तो क्या देखा? तो ये बैठ गए अंदर। हाँ जी, कैसी फीलिंग? अच्छी। यार इसकी सीट्स बहुत वो है, गुच्चू सी फीलिंग है। मतलब कुच्चू नहीं बोला, शुक्र है। तो जिनको भी नहीं पता है कुच्चू के बारे में, तो कुच्चू के चैनल पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो। कुच्चू मतलब हमारा बच्चा, उसका भी एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत क्यूट क्यूट वीडियोस आते हैं उसके। तो यहाँ पे अगर कार के अंदर की बात करें तो थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ। हाँ जी, डिटेल बनती है एक बार। मैं तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्सप्लोर कर जा रहे हो, बटन को छेड़ रहे हो, बस कुछ हो तो रहा नहीं है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है। हो गई, रिक्लाइन हो गई। हाँ, पर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि आप जिस सीट पर बैठे हो वो फुल रिक्लाइन नहीं होती है, उसके अंदर ये वाला रिक्लाइनर नहीं है। ओ माय गॉड, ये गाड़ी के अंदर अंदर कूदा जा रहा है। यार इस पे अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो ना ऐसे लॉन्ग, और ऐसे मेरे ये ड्राइवर, तो बस आप सो सकते हो। हाँ, मेरा ड्राइवर और मैं ऐसे रिलैक्स होके कुच्चू मेरे साथ यहाँ, और हम मूवी देखेंगे। और फिर कुच्चू पीछे से करेगा वो वो। फिर आप भी तो रिप्लाई करते हो, आप ही तो करते हो, वो तो आप करते हो अभी आपने किया। ये सुन लो, ये रहा। Nice. तो एक काम करो भाई, डिटेल सुन लो, काफी हो गई फालतू की मस्ती मजाक, अब डिटेल बताता हूँ। तो गाइस इस कार की अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ होने वाला है बहुत ही स्पेशल। थोड़ी सी आवाज गूंज रही है पर कुछ नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे पूरा खाली है, थोड़ी सी आवाज मैनेज कर लेना, पर गाड़ी देख के आप लोगों को आने वाला है मजा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं ये साइड हैंडल्स की, बहुत ही स्पेशल। ये देखो, ये अपने आप ही खुल गया भाई और बहुत ही ज़बरदस्त, ये अपने आप बंद हो गया। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल यहाँ पे ये स्वाइप करना है। ये स्वाइप किया और ये खुल गया, वाओ। और ये स्वाइप किया आपने, ये बंद हो गया। यार ये है ना बहुत ही अमेजिंग, बहुत डिफरेंट है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही अपन स्वाइप करते हैं खुलता है। यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल लाइट है जो ग्लो करती है पूरे वाइट कलर में और लगती है बहुत ही स्पेशल। हैंडल की ग्रिप बहुत ही ज़बरदस्त है और जैसे ही आप हैंडल खोलते हो, मतलब हल्का सा खींचते हो, तो ये डोर खुल जाता है। इस डोर के अंदर एक और स्पेशल चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर एस क्लास में होती है, दैट इज सॉफ्ट क्लोज डोर्स। आपको सिर्फ हल्का सा बंद करना है एंड डोर क्लोज हो जाएगा। पर गाड़ी के अंदर चलने से पहले मैं दिखाता हूँ कार को पूरा बाहर से, जो एक्चुअल में काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ही स्पेशल है। तो गाइस अब अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। सेवेंथ जनरेशन ऑफ एस क्लास की सेवेंथ जनरेशन, ग्रिल लग रही है बहुत ही ज़बरदस्त। ग्रिल के ऊपर यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, हेडलाइट कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है, फुल LED हेडलैम्प है और इसका एक्चुअली लैम्प का जो थ्रो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइज इसका एक हेडलाइट का फीचर है जो एक्चुअली रोड को स्कैन करता है एंड जैसे जैसे आप ड्राइव करते हो, चाहे आप पहाड़ों पर चला रहे हो, चाहे आप टर्न्स पर चला रहे हो, चाहे आप फ्लैट लैंड पर चला रहे हो, तो ये लाइट्स ऑटोमेटिकली रोड को स्कैन करके और बीम को एडजस्ट करती है। बट जब आप स्टार्ट करते हो ना तो भी वो एडजस्टमेंट दिखता है। एक बार सामने देखो, वाओ।
बहुत स्पेशल हेडलैम्प्स होते हैं पूरी मर्सिडीज की जितनी भी सीरीज होती है उसके, एंड स्पेशली एस क्लास और मैबैक के तो बहुत ही जबरदस्त होते हैं। यहाँ पे एक मर्सिडीज का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे अगले एक और मर्सिडीज का साइन है, और दिखने में फ्रंट से जो ये एक्चुअली लिया गया अवतार वो काफ़ी हद तक AMG का अवतार है, जो बहुत ही एक्चुअली पावरफुल वर्जन होता है मर्सिडीज का। मर्सिडीज की जितनी भी AMG कार्स आती हैं वो कम्प्लीटली परफॉर्मेंस कार्स होती हैं विद अ डिफरेंट इंजन। तो उसके अंदर AMG जितनी भी कार्स होती हैं उनके अंदर जो इंजन होता है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर इस एस क्लास की बात करें तो ये भी काफ़ी पावरफुल है, वैसे कोई हल्की फुल्की गाड़ी नहीं है, अगर आप चलाएंगे तो आपको आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा। तो इस कार में लगा हुआ है V6 3000 cc पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 362 bhp, एंड बिलीव मी 362 bhp का जो पंच है ना वो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो अब अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 20 इंचेस का एलॉय जो एक्चुअली AMG से इंस्पायर्ड है, अगेन AMG फीचर्स। एंड अगर यहाँ पे साइड के OVRM की बात करें तो यहाँ पे एक इंडिकेटर भी दिया हुआ है, 360 डिग्री कैमरा दिया हुआ है, साइड प्रोफाइल बहुत ही ज़बरदस्त है, ये जो क्रोम फिनिश के बाहर से लगे हुए हैं ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिनिशिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड इसमें सनरूफ भी है काफ़ी अच्छी और बड़ी, वैसे पैनोरामिक सनरूफ है और जो लगती है बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो अगेन LED टेल लैंप्स जो लग रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, एंड बहुत डिफरेंट टेल लैंप्स हैं, मतलब मैंने मर्सिडीज़ के काफ़ी सारे टेल लैंप्स देखे हैं पर इस वाले स्टाइलिंग का टेल लैंप अभी तक नहीं देखा है। यहाँ पे अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे रेयर रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पे ड्यूल टिप एग्जॉस्ट जो लग रहा है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही स्पोर्टी। अब अगर बूट स्पेस की बात करें तो भाई कार के अंदर बूट स्पेस तो इसके अंदर इतना है कि मतलब आराम से आप अपने बड़े दो या तीन बैग, मतलब मेरे ख्याल से दो अच्छे बड़े बैग्स एंड एक छोटा बैग भी रख सकते हो। और अब अगर इस लिड की बात करें तो लिड के नीचे यहाँ पे एक डोनट टायर पड़ा हुआ है जो आपके इमरजेंसी में काम आ सकता है, प्लस छोटा मोटा सामान यहाँ पे आप और रख सकते हो इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक बूट बंद करने के लिए आपको कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। वैसे एक्चुअल में ये काफ़ी लग्जरी कार है, और अगर बाहर के लुक्स की बात करूँ तो शायद आप लोगों को इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट अगर इस कार के अंदर चलते हैं तो मज़ा स्टार्ट हो जाता है सारा वहीं से। अब आ गए अपन कार के अंदर। अब अगर यहाँ पे सीट्स की बात करें तो दिस कार इज कम्प्लीटली नापा लेदर फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर पूरा प्योर लेदर जो लग रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, मतलब सीट्स देख के तो मुझे मज़ा आ गया। पूरी परफोरेटेड सीट्स हैं और सीट्स के अंदर एयर वेंट्स लगे हुए हैं, मतलब आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली। यहाँ पे ये जो बकल्स दिए हुए हैं सीट बेल्ट बकल्स, इसके ऊपर भी यहाँ पे लाइट है जो आपको दिख रही है जलती हुई हल्की हल्की। एंड कार के अंदर अगर यहाँ की बात करें, मतलब फ्रंट की बात करें, तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन देख के ही मज़ा आ गया गाइस। ये स्क्रीन तो देखो, ये कितनी बड़ी स्क्रीन है भाई, ये बहुत बड़ी स्क्रीन है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो यह पूरा सेंटर कंसोल जितनी बड़ी स्क्रीन है। यहाँ पे भी एक और पूरी स्क्रीन दी हुई है जिसके ऊपर आप कंप्लीट कार की डिटेल्स देख सकते हो। एंड अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो स्टेयरिंग व्हील भी ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है जो एस क्लास में आ रहा है, और ये हम पुरानी वाली काफ़ी सारी कार्स पर अपग्रेड भी कर रहे हैं। यहाँ पर कम्प्लीट टच बटन्स हैं इसमें, एंड अच्छी बात है कि ये पूरे टच हैं और सेंसर्स भी हैं इसके अंदर, मतलब पूरा सेंसिटिव है। मैं अभी ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल करते ही बंद हो गया, वाओ। एंड सारे बटन्स यहीं पे ही हैं। अगर बीच की सेंटर की बात करूँ तो सेंटर पे यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रखने की जगह है। यहाँ पे आपका वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी हो जाएगा, वायर भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, यहाँ पे आप अपना कप होल्डर भी है जहाँ पे अपना कप रख सकते हो। एयर वेंट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत ही डिफरेंट हैं, पुरानी वाली जितनी भी मर्सिडीज़ हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट एंड अलग एयर वेंट्स दिए गए हैं इस कार में, और कार लग रही है बहुत ही कंफर्टेबल। अब मैं ये ऊपर सनरूफ की बात करता हूँ तो सनरूफ की अगर आप विड्थ देखते हो तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा वाइड है ये। तो इसके अंदर ड्यूल सनरूफ है पूरी कार के अंदर, सिंगल नहीं है, पीछे की अलग से खुलती है, आगे की अलग से खुलती है, ताकि इसके अंदर और ज़्यादा रूम स्पेस हो और आप जब अंदर बैठे हो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आए।
अब अगर इंटीरियर लाइट्स की भी बात करूं तो 250 प्लस फाइबर ऑप्टिकल्स इस कार में लगी हुई हैं, इस कार को एक प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग देने के लिए और प्रॉपरली उसको स्क्रॉल करने के लिए। कलर्स एक बार ना चेंज करके दिखाता हूँ। तो भाई अब ये बैठ गए हैं आगे वाली सीट पे। हाँ जी, कैसी फीलिंग है आगे वाली सीट पे? नाइस, मैं अभी वही एडजस्टमेंट्स कर रही थी कुछ। एम्बिएंट लाइटिंग कैसी लग रही है गाड़ी की? ये है ना, मैं वही देख रही थी, इसमें बहुत ऐसे हाँ बड़ी थिन सी है ना, क्रिस्प कर गई है। हाँ बहुत क्रिस्प सी है। और कलर चेंज करें यार, एक काम करते हैं आपके टॉप से मैच करते हैं। ओके भाई, अब यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्रीन आ गई है। और स्क्रीन के अंदर सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि आप एक पूरा आरजीबी वाले स्टाइल में कलर चेंज कर सकते हो। आज हम आपके टॉप से मैचिंग करेंगे। ये लो जी, मैच हो गई। वाओ, ये हमने लाइट्स ऑफ कर दी है, तो एक ही बार में कर दी ना। ये देखो ये रेड, एंड अब देखो कितनी अल्टीमेट लग रही है। ओहो, ये लो मैंने ये भी बंद कर दिया, अब तो और ज्यादा लग रही है। ये देखो ब्लू, ये बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, ये एक्चुअल में बहुत जबरदस्त है। ये एक्वा ग्रीन है ना, मस्त लग रहा है ना बिल्कुल। ये लो टॉप से मैच कर दिया हमने, देखा कितना इजी है। तो इतना इजी है एक्चुअली, मतलब आपको किस कलर का एम्बिएंट चाहिए ये आपको डिसाइड करना होता है। एम्बिएंस आपकी कार का आपके मूड के हिसाब से हमेशा होना चाहिए, जो एक्चुअल में अच्छा लगता है। तो इनके अगर आप ये कभी चलाओगे फ्यूचर में, आपके कभी होगे तो रेड होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा एंग्री मैन होते हैं। हाँ, तो ये देखो ना रेड लगता है कितना अल्टीमेट है, देखो आई एम ये। बट रेड कलर का जो ग्रेस होता है ना, वो हमेशा बहुत ही डिफरेंट लगता है और बहुत ही जबरदस्त है। कलर कॉम्बिनेशन कार का अंदर से बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे ये जो वुडन फिनिश है, ये एक्चुअल में बिल्कुल प्रॉपर ऐसा लग रहा है जैसे ये वुड है। और ये ऊपर जो लेदर है, ये लेदर की फिनिशिंग भी ऐसी लग रही है कि प्रॉपर, मतलब बहुत ही जबरदस्त। अंदर बैठ के मतलब मुझे वाकई में फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। और कुछ एक चीज ऐसी दिखाता हूँ जो इस कार में है, एक्चुअल में बहुत डिफरेंट। तो भाई अब अगर मैं बात करूँ स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील तो खैर बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत स्पोर्टी है। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे माइनस प्लस, मतलब आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हो यहाँ से। पर एक चीज इसके अंदर बहुत डिफरेंट है, वो है ये वाले नॉब्स जो लाइट के लिए, इंडिकेटर के लिए, और ये गियर शिफ्ट के लिए काम आता है। एक्चुअल में मतलब मैंने इस शेप के कभी भी नहीं देखे। मैंने पहले काफ़ी सारी कार्स मर्सिडीज़ की चलाई हुई हैं, काफ़ी सारी मर्सिडीज़ की कार्स के अंदर भी बैठा हूँ, पर ये इस टाइप के कंट्रोल्स मैंने कभी नहीं देखे। बहुत डिफरेंट कंट्रोल्स हैं और बहुत ही यार लग्जूरियस लग रहे हैं, फीलिंग बहुत अच्छी है। और इस कार की एक स्पेशलिटी है कि इसको आप खुद भी चला सकते हो, पर मैं यहीं रोक रहा हूँ कि अगर आपको खुद नहीं चलानी हो तो कैसी फीलिंग है? तो भाई अब इस कार को देखो, यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल लग्जरी। तो लग्जरी मतलब मैं ये बैठ गया अंदर, एंड बिलीव मी ये अंदर बैठ के क्या खतरनाक लग रही है। मतलब यहाँ का लेगरूम तो देखो यार, ये लेगरूम कितना जबरदस्त है। और यहाँ पे ये स्क्रीन, इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे। एक चीज़ और बहुत ज़बरदस्त है, वो है यहाँ पे ये टैबलेट। तो ये 7 inches का एक टैबलेट है, एक्चुअल में एक एंड्रॉयड फ़ोन जैसा है जिसको आप निकाल सकते हो। यहाँ पे भी हमने लेमिनेशन किया, लेमिनेशन का भी काम चल रहा है, तो ये कटिंग नहीं हुई, नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता। बट ये एक्चुअल में बहुत ज़बरदस्त है। 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल है इस गाड़ी के अंदर, एंड इस कार के अंदर लगा हुआ है बर्मस्टर का कंप्लीट म्यूजिक सिस्टम जो देता है 4D सराउंड साउंड। तो 3D से ऊपर निकल गई है दुनिया अब, और दुनिया आ गई है 4D पे। अब अगर मैं बात करूं तो भाई ये लो। तो गाइस अब ये मैंने की रिक्लाइन, ये देखो ये देखो। ओ भाई ओ, मतलब ये है बिल्कुल मजेदार चीज। मतलब लाइफ में अगर एक्चुअल में जब कभी अपने को चाहिए हो ना, मतलब फुल ऑन रिलैक्स करके और एक बिजनेस क्लास वाली फीलिंग लेनी हो, तो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग जिस पे आप एक्चुअल में एक बिजनेस क्लास वाली फीलिंग ले सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो कि थोड़ा सा कॉस्ट्रोफोबिक मतलब थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा हो, तो भाई आप कर सकते हो यहाँ से ये, मतलब ये ऊपर की सनरूफ खुल गई, एंड यहाँ से देखो विजन कितना क्लियर मिल रहा है। और अगर फिर भी आपको लग रहा हो ना कि नहीं भाई अभी भी आपको थोड़ा सा कॉस्ट्रोफोबिक और लग रहा है, तो आप यहाँ के ये ब्लाइंड्स भी हटा सकते हो, और ब्लाइंड्स चले गए पूरे अंदर और ये आ गया फुल ग्लास। तो कार अंदर से ना मतलब फीलिंग इतनी अच्छी है, ऑनेस्टली बताऊँ इतनी ज़बरदस्त फीलिंग है जिसकी हद नहीं। मेरे को तो बैठ के ही मज़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये वायरलेस चार्जिंग मिल गई, आप फ़ोन यहाँ पे रखो, फ़ोन आपका चार्ज हो जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से।
और अगर यहाँ से मैंने खोला तो आप यहाँ पे ही अंदर बॉटल्स वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें आप कुछ भी अपना ठंडा भी कर सकते हो और गर्म भी कर सकते हो। अब मेरे को ना काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे और दिख रही हैं जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बट अगेन ड्यू टू दिस मतलब ये वाली चीज़ है ना, ये अभी बंद पड़ी है इसलिए मैं अभी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ। बट कार के अंदर बैठ के जो मज़ा आ रहा है ना, वो फीलिंग बिल्कुल अलग है यार, और बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये देखो, ये सीट मैंने पीछे करनी चालू कर दी है और सीट मेरी पीछे जा रही है, मैं धीरे धीरे रिक्लाइन हो रहा हूँ और धीरे धीरे सीधा होता जा रहा हूँ। तो एक्चुअल में मतलब अंदर बैठ के जो मज़ा आया ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आया। ये देखो, ये मैंने अंदर कर दिया और बिल्कुल अब मैं नॉर्मल बैठ जाऊँगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। सो गाइस, दिस इज़ अ कंप्लीट बिजनेस सैलून कार एंड आपको बिल्कुल प्रॉपर ऐसा लगेगा जैसे आप एक बिजनेस क्लास प्राइवेट जेट में बैठ गए हैं। इसकी जो सीट्स हैं कंप्लीटली वेंटिलेटेड है, मतलब आपको गर्म हवा भी आ जाएगी, ठंडी भी आ जाएगी, एंड सबसे अच्छी बात है कि आप रिक्लाइन भी कर सकते हो और आप इसके अंदर मसाज भी ले सकते हो। मतलब दीज आर ऑल मसाजर सीट्स और आप यहाँ पे आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, सामने अपना कोई भी एक मूवी लगा के मूवी देख सकते हो और अपना जो भी आपकी जर्नी है डे टू डे लाइफ की, जो आपकी ट्रैवलिंग है, उसको और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो। तो कैसी लगी कार मुझे अंदर से ज़रूर बताना। सो दिस इज़ एस क्लास 450 फोर मैटिक फ्रॉम मर्सिडीज एंड बिलीव मी इट्स अ ब्यूटीफुल कार। ऑल व्हील ड्राइव होती है ये कार, मतलब आप किसी भी टेरेन पे लेके जा सकते हो, एक नॉर्मल टेरेन जो इसके ग्राउंड क्लियरेंस को जस्टिफाई करती हो, बट अगर आपको स्नो में चलानी है या कहीं और चलानी है तो बिल्कुल भी कहीं से आपको फीलिंग ऐसी नहीं आएगी कि ये कार परफॉर्म नहीं कर रही है। बाकी कार कैसी लग रही है वो मुझे ज़रूर बताना। एंड टर्बो एक्सट्रीम गैराज पे आपको ऐसी ऐसी नई नई गाड़ियाँ मैं और दिखाता रहूँगा। कोई पर्टिकुलर कार देखनी हो तो भी मुझे बता देना, मैं ज़रूर कवर कर दूँगा उसको। और पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आगे आगे मैं और दिखाता हूँ।